वेलकम गाइस, एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आ चुके हैं एक लीप ड्रॉइड इमुलेटर, जिसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि वो फ्री फायर ओपन कर रहे हैं तो स्क्रीन पिंक हो जा रही है। तो आज हम उसका 100% सॉल्यूशन बताएंगे। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। हम इमुलेटर को ओपन करते हैं। इमुलेटर ओपन हो रहा है। इसको ओपन होने के बाद देखते हैं लिप ड्रॉइड बूट हो रहा है। ओपन होने के बाद देखते हैं हम। पहले तो आप यहाँ प्ले स्टोर से जो भी गेम है आपका, जैसे फ्री फायर हुआ, यहाँ से फ्री फायर लिखा यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे सर्च करा, ये बुक्स में सर्च हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो गेम भी आ गया। इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉल है। मैं आपको बाहर जाके दिखा देता हूँ। जैसे ये रहा फ्री फायर मैक्स, ये रहा। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो देखना यहाँ पे पिंक स्क्रीन हो जा रही है। ये इसका सॉल्यूशन बताने से पहले, जो भी इस वीडियो में नया है वो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट वीडियोज़। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्टली अब मैं जो बात कहूँगा उसको गौर से सुनना। लिबड्रॉइड का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन हटा दिया गया है। यहाँ पर पहले ओल्डेस्ट वर्जन में यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आता था, तो यहाँ पे हटा दिया गया है। तो अब इस इमुलेटर में यदि आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप इसमें फ्री फायर में उसको चला ही नहीं सकते। जी हाँ गाइस, सही सुना आपने। यदि आपके पास इस पीसी में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप इस सिमुलेटर में फ्री फायर चला ही नहीं सकते, क्योंकि इधर से सेटिंग का ऑप्शन ही हटा दिया गया, जहाँ से अपन ग्राफिक्स वगैरह चूज़ कर सकते थे। हाई जीबी, लो जीबी कर सकते थे, ग्राफिक्स चेंज कर सकते थे, वो सिस्टम ही हटा दिया गया है। ना तो यहाँ से आप फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ना यहाँ से कोई फाइल को विंडो पे सेलेक्ट शेयर कर सकते हैं। जैसे आप फ्री फायर ओपन करेंगे यहाँ पर देखना पिंक स्क्रीन हो जा रही है। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन बस ये है कि आने वाले समय में यदि कोई अलग वर्जन निकल के आता है, अगर उसमें सेटिंग का ऑप्शन आता है तो उसमें इसका सॉल्यूशन हो सकता है। अदरवाइज इसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आया लेटेस्ट वर्जन के लिए। आज का वीडियो बस यहीं तक था। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।